हेलो एवरीवन, आज 31 मार्च 2022 और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एज पर द फाइनल एस्टिमेट्स ऑफ 2020-21 ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन इन 2020-21। तो बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के 2020-21 के अंतिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में कुल उत्पादन कितना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 334.60 मिलियन टन था दोस्तों हॉर्टिकल्चर में हमारा प्रोडक्शन 2020-21 में। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं और हाल ही में आंकड़ा जारी करा गया। दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए दोस्तों हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। अगला क्वेश्चन है, Which country recently approved a bill to provide $52 billion in subsidies for semiconductor chips manufacturing? तो हाल ही में किस देश ने semiconductor chips निर्माण के लिए 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर को सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यूएसए ने, याद रखिए, सब्सिडी प्रोवाइड करेगा 52 बिलियन डॉलर की, ताकि सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाए दोस्तों। ठीक है, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। किस क्या है? वॉशिंगटन डीसी है और यहीं पे दोस्तों आपको पता है वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स भी हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए दोस्तों यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है। अगला क्वेश्चन है, जिंग किंग री लिविंग रूट ब्रिजेस व्हिच वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? तो जिंक किंग री लिविंग रूट ब्रिज जो हाल ही में खबरों में रहे किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय में स्थित है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों हाल ही में इनको क्या करा गया दोस्तों, ये हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन टेंटेटिव लिस्ट। तो याद रखिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में इनको हाल ही में शामिल किया गया है। मेघालय की राजधानी दोस्तों शिलोंग है। क्या है? शिलोंग है दोस्तों। और मेघालय के सीएम है दोस्तों कोनार्ड संगमा। यहाँ के क्या है? सीएम है दोस्तों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मेघालय के गवर्नर कौन है, मेघालय के गवर्नर कौन है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 बुक वॉज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग अलोंग विद विच इंस्टीट्यूशन? तो नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030 पुस्तक का विमोचन किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करा है दोस्तों, ये बुक लॉन्च करी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर दोस्तों रोम में मिलेंगे, जो कि आपको पता है राजधानी है किसकी, इटली की राजधानी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है, क्या है, हेड कौन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऋषिकुल्या बीच विच इज नोन फॉर मास नेस्टिंग ऑफ एंडेंजर्ड ऑलिव रिलेटेड टर्ट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ऋषिकुल्या समुद्र तट जो लुप्त प्राय ऑलिव रिलेटेड कछुओं के सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ओडिशा में स्थित है, याद रखिए ऋषिकुल्या बीच। ठीक है, आप देख सकते हैं और यहाँ पे ऑलिव रिडेड टर्टल जो है मास नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ओडिशा की राजधानी आपको पता है भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडमान एंड निकोबार? तो अंडमान और निकोबार के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नीरज ठाकुर जो है ये बने हैं, याद रखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहाँ के अंडमान निकोबार के। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आपको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिगुएल वान डेमे पास्ड अवे रिसेंटली विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज ही एसोसिएटेड? तो मिगुएल वान डेम का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फुटबॉल से जुड़े हुए थे। ये है इनकी तस्वीर, आप देख सकते हैं, और इनका हाल ही में 28 वर्ष की उम्र में 29 मार्च को निधन हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज जॉइंड द ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी एज इट्स 7th मेंबर? तो कौन सा देश पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में शामिल करा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है इसको
याद रखिए ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में सातवें मेंबर के रूप में अभी ज्वाइन कराया गया है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले जो छह मेंबर हैं वो हैं दोस्तों बुरुंडी, केन्या, रवांडा, साउथ सुडान, तंजानिया, युगांडा, ये छह मेंबर्स थे। और हाल ही में सातवां मेंबर कौन बना है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के बारे में। ये दोस्तों एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1967 में करी गई थी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर आपको अरुशा, तंजानिया में शहर है अरुशा नाम का, वहां पे आपको मिलेंगे। ये दोस्तों जो है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, ये वर्क करती है गाइड वर्क करती है किसके द्वारा दोस्तों? एक ट्रीटी द्वारा विच वॉज एस्टेब्लिश्ड द कम्युनिटी। तो दोस्तों इन्होंने एक ट्रीटी बना रखी है जिसके तहत ये लोग वर्क करते हैं अपनी कम्युनिटी में। टोटल सात मेंबर बन गए हैं तो उसी के हिसाब से ये वर्क करते हैं। और ये जो ट्रीटी है कब साइन करी गई थी? 30th November 1999 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 7th July 2000 फॉलोइंग इट्स रेटिफिकेशन बाय रीजनल थ्री पार्टनर स्टेट्स केन्या, तंजानिया और युगांडा। याद रखिए सबसे पहले इन तीन देशों ने ये ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से बनाई थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोस्तों इसकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए, किनशासा है। क्या? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है किनशासा और इसकी करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक, कोंगोलीज फ्रैंक। आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की लोकेशन भी देख सकते हैं, ये है बिल्कुल सेंट्रल अफ्रीका में देश, ठीक है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर रेंज के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करे हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा गया दोस्तों, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किसके, कितने रुपए का? लगभग 1100 करोड़ रुपए का है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं दोस्तों। ये जो है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, याद रखिए, ठीक है। और ये प्राइमरली मैन्युफैक्चर करती है क्या? एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को फॉर ग्राउंड एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वन ऑफ 9 PSUs है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत टोटल 9 PSUs है, ठीक है, उनमें से एक है ये, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर आपको बैंगलोर में मिलेंगे, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नोएल नेवल टाटा को, याद रखिए, हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त करा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेफ डार्लिंग पास्ड अवे इन विच ईयर डिड ही बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू अर्न द ऑस्ट्रेलियन फिल्म इंस्टीट्यूट्स बेस्ट अचीवमेंट इन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड। तो जेफ डार्लिंग का निधन हो गया, वह किस वर्ष में सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार में ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अर्जित करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1990 में, याद के ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड हासिल करा था। यह इनकी तस्वीर और इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैग्ड द फर्स्ट प्राइज ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, याद रखिए 2022 नेशनल वाटर अवार्ड्स में पहला स्थान मिला है, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा आपको पता होना चाहिए स्टेट्स में, राज्यों में सबसे नंबर वन किसका स्थान मिला है? वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज किसने टॉप करा? तो दोस्तों मुजफ्फरनगर जो है ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में अवार्ड मिला है नॉर्थ जोन में, याद रखिए नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर है। वहीं अगर बात करी जाए तिरुवनंतपुरम जो है इसको साउथ जोन के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला, ठीक है। और ईस्ट चंपारण, आपको पता है ईस्ट चंपारण बिहार में, इसको दोस्तों क्या कहते हैं ईस्ट
ईस्ट जोन के लिए भी मिला है दोस्तों, और वहीं इंदौर जो है, इंदौर को लो दोस्तों ईस्ट वेस्ट जोन के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 किसने शुरू करा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद ने शुरू करा दोस्तों ये अभियान, और ये जो अभियान है जल शक्ति अभियान के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वन द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया 2022 अवार्ड्स। तो निम्नलिखित में से किस यूपीएस निर्माण कंपनी ने भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड 2022 का पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यूमेरिक अप्स ने दोस्तों याद रखिए सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड जीता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो अवार्ड है अनाउंस करे गए थे किसके द्वारा, टीम मार्क्स मैन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गिलबर्ट एफ होंगबो हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो गिलबर्ट एफ होंगबो को निम्नलिखित में से किस संगठन का नया महानिदेशक चुना गया है। तो याद रखिए गिलबर्ट एफ होंगबो जो है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये है इनकी तस्वीर। ठीक है, और ये ऑफिस अज्यूम करेंगे अक्टूबर 2022 से। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं ILO को लेकर दोस्तों। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी का ही ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, हुज मैंडेट इज टू एडवांस सोशल इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। इसकी स्थापना दोस्तों अक्टूबर 1919 में हुई थी अंडर द लीग ऑफ नेशंस। याद रखिए लीग ऑफ नेशंस के तहत 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, और इट इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। तो याद रखिए ये पहली और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, और इसको दोस्तों नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड साइंड एन एमओयू टू कैरी आउट अ स्पेशल वुमेन्स हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव। तो निम्नलिखित में से किसके साथ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक विशेष महिला स्वास्थ्य और कल्याण पहल करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेबेट इंडिया के साथ। याद रखिए नेबेट इंडिया के साथ इन्होंने एमओयू साइन करा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड ऑन मार्च 29th एक्वायर्ड डैश फ्रॉम यूकेस वोडाफोन ग्रुप पीएलसीज फॉर रुपीज 2388.05 करोड़। तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने 29 मार्च को यूके के वोडाफोन ग्रुप पीएलसी से 2388.05 करोड़ रुपए में डैश का अधिग्रहण करा है। किसका, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, इंडस टावर लिमिटेड का ये लोग अधिग्रहण करेंगे, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज राजस्थान दिवस और राजस्थान स्टेटहुड डे एवरी ईयर। तो हर साल किस दिन को राजस्थान दिवस या राजस्थान राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 30 मार्च को याद रखिए राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यही दिन था द स्टेट वॉज फॉर्म इन 1949 when राजपूताना वॉज मर्ज इन टू डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1949 में राजपूताना जो है डोमिनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया था, और तभी से दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द 21st नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट खेलगांव उदयपुर। तो विच ऑफ द, यहाँ पे भी दोस्तों इंग्लिश में ही आ गया, कोई बात नहीं, पर आपको बताना है दोस्तों 21st यानी 21वां नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो कि खेलगांव में आयोजित करा गया था उदयपुर में, ये किसने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने जीता है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2021 रिसेंटली। तो हाल ही में 2021 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। आपको पता है इन्होंने अभी ओलंपिक्स में खूब जलवा दिखाया था और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन
जैसे कि बीबीसी एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया है, एमर्जिंग प्लेयर में दोस्तों याद रखिए क्रिकेटर शफाली वर्मा को दिया गया है एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड का, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कर्णम मलेश्वरी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, याद रखिए कर्णम मलेश्वरी जो है पहली वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था दोस्तों, ठीक है। इनको प्रेजेंट करा गया बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया कर्णम मलेश्वरी, ठीक है। और याद रखिए ये जो था थर्ड एडिशन था बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड का दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।